सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार मजबूत कर दे रही है। अरे इतना किधर को आपे हो डीडी यूनियन खत्म दबिया दिए कथा कदा तेज अब वह जनमीन लड़ाई है, जनमीन लड़ाई है, इसको करो नहीं होगा तो 2024 में टकराएंगे, टकराएंगे और दिखा देंगे कि सच्चाई की लड़ाई भी क्या दम है। और कुड़ी की लकड़ा की तरफ सरहा विद्या पढ़ा तब उनपे कोस्टल को जब तक पया पया तीनों कोस्टल करते कुछ गिद्रे लड़े बहुत लड़े हैं हॉस्पिटल है गैस में फट गया एक लड़के पाखुड़ में जल गई। आज यहाँ पर जो बनाने वाले उसको अभी तक पैसा नहीं मिला। आज वहाँ अभी कलेज के लड़के ना उनको मैं बता देना चाहता हूँ वो मुझे वहाँ गरीब गरीब आदिवासी लेडी जो खाना बना रही है आज हमको बताओ कितना पैसा देना है। हम देंगे फिर भी बच्चे को हम खाना नहीं बनाने देंगे। अगर डेढ़ डेढ़ लड़ाई तो बांग कांता बुना डेढ़ डेढ़ लड़ाई तो बांग कांता बुना अरे मरना है तो मरना है लड़के मरेंगे तो जिंदा हो जाए। ते दुड़ू वकाना सितु खा सितु खोर आदो मी बार कथा जस्ती तो बही रोड़ा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कुली सुनाई दी कि ना क्या हमको कोई पागल कुत्ता काटा है क्या जी इंदो पगला सीता को गिर कर ये सीखे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैदाइश हमारे गुरु राजनीति गुरु माननीय गुरु जी शिबू सोरेन जिन्होंने अंगुली पकड़ करके हमें राजनीति सिखाया। अवरण गुरु जी शिबू सोरेन टिकटू साफ करते राजनीति की अधिक दया और कुछ नहीं मेरे को आता था बंद भाषण कुछ नहीं आता था हमको सिर्फ बांसुरी बजाना इंद तिरिया और मुरली लोग लड़ाई करते जब तक गुरु जी जहां जहां प्रोग्राम होता हमको वो साथ लेके चलते थे। गुरु जी भी तिरिया गलम लोग भी रेडियो में तिरिया मुरली का गुत रहे में सारे नेता लोगों का भाषण छोटा बड़ा सबका भाषण शुरू हो जाता। जब गुरु जी का भाषण शुरू हो बोलते थे लोग चलो एक तो तुम गाना गा दो और बांसुरी बजा दो और सही में एक गाना गाया और बांसुरी बजाया पूरा माहौल शांत गुरु जी का भाषण शुरू। तो जमीन का आंदोलन माननीय गुरु जी का महाजनी आंदोलन उस महाजनी आंदोलन में बहुत सक्रिय होकर के हमने काम किया। मैं जेल गया गोड्डा जेल गोड्डा जेल हर चलावना महाजनी लड़े रे कोई बाबू आ जाएगा कुछ ही बड़े करते हैं। गोड्डा जेल गए फिर वहां से भागलपुर सेंट्रल जेल गए फिर वहां से दुमका जेल गए बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल में रहे जेल में रहे नदी जमीन तो वापस करा दिया। मैंने कहा जब हम जेल में रहे हम नहीं घबराए और न हमारी पत्नी घबराई जेल फटक नहीं देखी थी यही दुमका जेल में मिलने के लिए आई थी। मेरा छोटा सा बच्चा का 8 दिन हुआ था नरता हुआ नरता हुई कभी देखते हजारों हजार फोर्स घेर करके हमको पकड़ा था और उसी समय गुरुजी बोले कि लोबी अड़ी तय करा रहा करना चलो हम तुमको टिकट देते हैं 1990 में टिकट दिए पैसा नहीं था एक पैसा नहीं था
हम अपना कुतिया नया से भाई बंधु से और जहां जहां जमीन का आंदोलन चला वो लोगों ने घर घर चावल उठाया 8 बोरा चावल और 8,000 रुपया पहली बार लड़े, हमको लोग देखा नहीं था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष में जब हम लड़ाई लड़े चुड़ा में 8,000 से लीड की। अरे इतना और उसी समय से ऊन जुकाम खोन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहना पंचांतर गुरुजी के लोग ऐसे लोग थे कुछ लोग नाम तो नहीं बताऊंगा वो एमपी पे हुआ करते थे वो लोग बोला कि नहीं लोग हम लोग को टिकट नहीं देना बोला कि ऐसा मत करो नहीं 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 देना नहीं दिया हम इंडिपेंडेंट कर गए हाल छप में नहल छपा रहे 95,500 से भी फिर भी हम पार्टी नहीं छोड़ा और पार्टी में अभी भी है और पहले थे और अभी भी है। तो हम इस कहानी शुरू करते हैं कहां से दर्द हुआ हमको महसूस इस बार के चुनाव में नियम दबा वोट लेकर चलाने सरकार बनाना 2019 में जितना इलाका है हमारा उधर साहेबगंज जिला हर मंच में हम भी मंसूरन के साथ स्टेज साझा किया और हमारे सामने पब्लिक के सामने वो बोला हमारी सरकार बनेगी इंडिया सरकार बनावलन था 5,00,000 नौजवानों को हम नौकरी देंगे बोला था कि नहीं बोला था 5-6 महीने के अंदर में ये भी बोला कि एसपीटी एक सीएनटी एक को मैं सख्ती से लागू करूंगा और पैसा एक भी लागू होगा और गरीब को आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास का 3,00,000 का बनेगा उसमें शौचालय भी रहेगा पंखा भी रहेगा माता पिता सुतने के लिए अलग बेटा बहू के लिए अलग और चुनावी एजेंडा में चुनावी मैनिफेस्टो में हर जगह छाप के भेजा गया क्या वो चुनावी मैनिफेस्टो लोबिन हमरम बनाया था नहीं चुनावी मैनिफेस्टो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बनाया आज एक भी काम हुआ क्या हमको हेमंत सोरेन से क्यों लड़ाई क्या हम जमीन बांटेंगे उसका नहीं नहीं ले सकती लेकिन पार्टी में रह करके ऐसे ऐसे लोग जो उसके चारों तरफ है जो टोटल बिहारी है तीनों अगल बगल बिना खुआ जो पप्पू बिहारी कड़ा पिंटू मीटे पंकज मिश्रा बिहार रहे बरहेट विधानसभा रहे मंडल मुर्मू बिनाया पढ़ा लिखा कोड़ा विधायक प्रतिनिधि बना के दिया लूटने का काम किया इन्हें बाद पिंटू इसके बाद विनोद पांडे सुप्रियो भट्टाचार्य सुनील श्रीवास्तव जो बिहार का जो हमारे बोरियो में एक जूनियर इंजीनियर था आज यही लोग घेर के रखा है और हमने तो कहा था विधायक दल में कि भाई बात उठाओ चुनाव में मैनिफेस्टो क्या था गरीब लोगों को आशा भरोसा विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी और तो रो रहे थे अब की बात हेमंत सरकार रोते से बबुल रहे थे हम लोग बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार सरकार तो बन गई लेकिन कहां चला गया एसपीटीए कहां चला गया सीएनटीए
आज अगर एसपीटी एक्ट है वो भी सीधों का रोज चांद भाइयों के बलिदानी पर, ये एसपीटी एक्ट अंग्रेजों ने बना के दिया, उसी के चलते आज हम लोग जगह जमीन बचा हुआ खेत पर बचा हुआ तबुना। अगर एसपीटी एक्ट नहीं होता आज गाज के नीचे भी हमारे लोगों को जगह नहीं मिलता। तो आज एसपीटी एक्ट को ताक पर रख दिया गया। एसपीटी एक्ट जो खून से बना है संथाल परगना एसपीटी एक्ट, इसको ताक पर खुद होगा पखार खुद होगा। और ना एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो आर्मी तो लड्डू लड्डू कंपनी नोने जाएगा को हटावे के। आज यहां कोयला खदान, कल परसों आप लोग देखे हमारे क्षेत्र में तालझारी में हमने डीसी को जाकर कहा कि अभी काम सब बंद करिए, दो दिन बात करेंगे जो होगा हम लोग बात करेंगे। नहीं वहां के लोगों ने जमीन दे दिया हम उस पर काम करेंगे, दूसरे का जमीन पर काम नहीं करेंगे। अरे इसी तरह से नौका भी आबुआ जाएगा और सीएनटी रांची इलाके में सीएनटी एक्ट वहां पर भूहरी जमीन जो पोल्स हॉस्पिटल बना और सरना जमीन मसना जमीन हरगढ़ी जमीन और सरकार की आंख के नीचे प्रशासन के नाक के नीचे जमीन धड़ल्ले बिक रहा है और वहां के आदिवासी उजड़ रहे हैं। कहां गया कमिश्नर, पूरे झारखंड के कमिश्नर कहां हो, डीसी कहां हो, एसडीओ सीओ कहां हो, रोटी तोड़ते हो। धीरे धीरे सब जगह मैं क्या करो, अब हमको ये प्रण लेकर चलना पड़ेगा, अब ये प्रण लेकर चलना पड़ेगा। मैं कसम जब तक चला हुआ जहां जहां खदान होगा माइंस होगा जमीन अधिग्रहण करोगे, जमीन के बदले जमीन तुमको देना पड़ेगा तब वह खदान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जमीन है तो आदिवासी है, तो जमीनें छीना जा रहा है खदान से हवाई अड्डा से। अभी हमारे यहां एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है, 17 गांव उजड़ेगा। मैंने डीसी को फोन किसी तरह बीच में मजलिस में किसको आप रिपोर्ट भेजो, ये पहाड़ है जंगल है या आदिवासी है मूलवासी है पहाड़िया लोग है, उजड़ जाएगा गाछ कट जाएगा पर्यावरण पर असर पड़ेगा। बोला क्या आप लोग लिख के दीजिए, फिर भी सेंट्रल से टीम आई और जिला का टीम राज्य सरकार का टीम जाकर मुआयना किया, वहां हवाई अड्डा बनेगा। तो इस तरह से अभी अभी एक चिट्ठी मिली है, ये आपका ग्राम मुरगुनी प्रखंड रामेश्वर दुमका मेगा सिंचाई परियोजना 13 करोड़ से मेगा लिफ्ट सिंचाई जिसमें कई आदिवासी गांव अड्डी डेर हो जाता है उन्हें कुछ जरूर। तो क्या हम उजड़ते रहे, क्या इस नीति को बरकरार रखे, क्या नीति बनाओगे नहीं, कैसे यहां का आदिवासी बचेगा मूलवासी बचेगा। आज नियोजन नीति हम तो साफ बोले हैं सब बस पैरों रखा, अरे भाई इतना पढ़ाने कानून मत बताओ, जिसके हाथ में खतियान है खतियान किसके पास नहीं है, जो यहां का आदमी है जो यहां का जमीन का पैदाइश है आदिवासी तो है ही गैर आदिवासी, यहां घटवाल है और यहां मुस्लिम भाई है, यहां खेतोरी है, यहां झाजी वो झाजी है, यहां बंगाली भाई है, जिसके हाथ में खतियान है
थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में वही जाएगा, निकालो कानून बनाओ, सब बिहारी सब रुक जाएगा। और यहां जो मैट्रिक और इंटर जो पास जो रघुवरदास सरकार बनाई थी, जो मैट्रिक और इंटर पास किया है झारखंड में, उसका बेटा थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में जाएगा। यहां तक कितने बिहार आरा छपरा बलिया दरभंगा बड़े बड़े हैं और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में वोट भी अप्लाई करेगा। आज तक एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं दिया गया, बताइए। यहां दुमका में कुछ दिन पहले रैली हुआ, यहां के छात्रों छात्राओं का रैली कौन सी के लिए था, शर्म होनी चाहिए। और पवार अकाल पड़ गया, पूरा अकाल पड़ा है झारखंड में, एक गोछी धान लोग नहीं रोपा, चले गए लोग गांव में, बच्चा को पत्नी को छोड़ के बंगाल गया, को बिहार गया, कहां कहां पंजाब गया, केरल गया, आज उसका बच्चा कब क्या खाएगा। गांव खाली है, कल परसों ही दुमका में हमने देखा स्टेशन में मिल के कुआं कटी कटी किधर पढ़ा किधर खानपा को डिप्टी को घेर करते कुछ लगना, बताइए क्या यही नहीं राजा लगवा था क्या। अरे अकाल हुआ तो क्या अकाल में यहाँ के लोग ने काम करके खाना चाहता, कुदाल चला के काम काम करके खाना चाहता। देखा नीत में नीत हो, एक भी योजना एक पंचायत में नहीं निकला, शरद है धिकार है, और लगाया इतना खुशी जाग गया ट्राई ट्राई फीस हो गया। तो 1932 का खतियान, अरे भाई खतियान का तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का, अभी तो नहीं किया। अब तीन हुआ तीन नोडल, बहुत लोग बोलता कि आपको निकाल देगा पार्टी से, निकाल देगा, मीडिया वाला भी पूछते आज ही पूछा था, तो हम साफ साफ बोलते हैं अरे पार्टी से निकाल सकते हो, माटी से नहीं निकाल सकते हो। देखा जाएगा सच्चाई की लड़ाई। और तुमने आपने जो घोषणा किया है उसी को मैं आईना दिखाता हूं और पूरे प्रमंडल में जा जाकर के लोगों को जगाऊंगा। और ये ट्रेलर के रूप में है, ट्रेलर के रूप में है, समय आएगा मोराबादी में इसका फिल्म हम सरकार को दिखाएंगे। और 30 जनवरी को भोगना, 30 जनवरी को उलीहट्टी में उन्हें बिरसा भगवान का जन्मस्थली पे हम एक दिन का उपवास रखने जा रहे हैं, हजार हजार लोग रहेंगे। और 2 फरवरी को भोगनाडी में सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली में वहां एक दिन का उपवास रखा जाएगा। और 24 फरवरी को झारखंड बंद का ये ऐलान हो गया है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से, 24 फरवरी को पूरा